मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, मगर सोचा कि तुम इस वक्त अकेला रहना चाहती हो। ठीक सोचा तुमने, लेकिन फिर ख्याल आया, मेरे जहन में जो जो चीजें चल रही हैं, अगर मैंने वो किसी से शेयर ना की तो मेरा दिमाग फट जाएगा। हाँ ना जमल, मुझसे बात करो, अपने भाई से। रोहान, तुम्हें कब पता चला था फारिस की दूसरी शादी के बारे में? मुझे राफेल ने बताया था, और उसे सादिया ने। सादिया ने? जानी वो सब जानती थी? जाहिर सी बात है, जानी सब जानते थे, बस हम ही नहीं जानते थे, ना जान सके और ना ही समझ सके। तुम तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी ना, और मैंने तो उसे इतना सब कुछ दे दिया। लेकिन सादिया ने सब राफेल को क्यों बताया? बकौल राफेल के, वो तुम्हारी बेहतरी चाहती थी, मगर अगर मुझसे पूछो तो अरीबा या उसके किसी भी घर वाले पे मुझे कोई एतबार नहीं रहा। नहीं रोहान, सादिया अरीबा से बहुत अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब एक जैसे हैं। ऐसा मत कहो रोहान, सादिया राफेल की जिंदगी में शामिल होने वाली है, तुम्हें अब अपना एटीट्यूड उसके साथ ठीक रखना होगा। क्यों? जितना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है, उसके बाद हमारा ये रवैया हक है। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है और तुम ही उसे समझ नहीं सकी। She was jealous of you. तुम जब भी अपनी ये लग्जरीज ये आसाइशें उसके सामने रखती थी तो वो तुमसे हसद करती थी, और इसी वजह से तुम्हारे साथ उसने सब कुछ किया। लेकिन उसकी मंगनी हो तो गई थी तुमसे, ये घर ये सब उसी का तो था, सब आसाइशें मिलने तो वाली थी उसे। तुम समझ नहीं रही हो जमल, वो तुमसे हसद करती थी, वो सब कुछ पाना चाहती थी जो तुम्हारे पास था, फारिस को भी। सब पा लिया बदकिस्मती से, फारिस को भी। नहीं जमल, तुम इस बार रीबा को जीतने मत देना, तुम उसे तलाक करवाओ। तलाक? पर कैसे? वो तो फारिस के बच्चे की मां बनने वाली है। तो तुम भी तो मां बनने वाली हो उसके बच्चे की। ये खुशी मुझे अब एक हादसा लगने लगी। सो जाए, भला परेशान होने का क्या फायदा? तुम्हें क्या लगता आज जो कुछ मेरे घर में हुआ है उसके बाद मुझे नींद आ सकती है? बस सारे मसले को कुछ वक्त दें, पलक झपकते तो सब ठीक नहीं हो जाएगा ना? लेकिन शुआला, मैं जमाल के रवैये पे हैरान हूं। मुझे जमाल से इस कदर सख्त रवैये की तवक्को नहीं थी। आप जरा खुद को जमाल की जगह रखकर तो देखें एक दफा। मैं उसके रवैये की शिकायत नहीं कर रहा,
मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो भी तहम्मुल से काम लेगा और इस मसले का कोई हल निकालेगा, लेकिन वो तो अभी वो गुस्से में है। सुमैला, उनका गुस्सा कम हो जाएगा लेकिन उनकी नफरत कम नहीं होगी। हक पे है वो। मैं कब कह रहा हूँ सुमैला कि वो हक पे नहीं। आप परेशान मत हो, मैं उनके घर जाऊंगी, कुछ वक्त गुजरने दें। अभी वो लोग गुस्से में हैं, अभी बात की तो बात मजीद बिगड़ सकती है। सुमैला, अगर उनके घर से नोटिस आ गया